भर्ती को लेकर आए दिन आंदोलन होते रहते हैं, वैसे हर जगह होते हैं। इन आंदोलनों को भी अब विवादित कर दिया गया है, दो तरह के पक्ष हो गए हैं। क्या सही में आंदोलन पर वही जाते हैं जिनका परीक्षा में नहीं होता है? क्या उनके दावे में सत्यता नहीं है? क्या वे झूठी लड़ाई लड़ने के लिए लाठी खाने चले जाते हैं? 18 जनवरी से पटना के गर्दनी बाग में राज्य भर से आए शिक्षक धरना दे रहे हैं। इनका दावा है कि 2 साल से 94,000 शिक्षकों की बहाली पूरी नहीं हुई है। सरकार नियोजन प्रक्रिया शुरू करने की बात करती है मगर बार बार टाल देती है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ है। इन प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भी चलाई हैं, जिसमें कुछ शिक्षकों के घायल होने की खबर है। लाठी चार्ज के बाद धरना और बड़ा हो गया। इन शिक्षकों का कहना है कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर नियुक्ति पत्र जारी किया जाए ताकि ये शिक्षक अपना काम शुरू कर सकें। इनका कहना है कि ये सभी BTET CTET की परीक्षा पास कर चुके हैं। ऐसे ही एक मैसेज में कुछ ने भेजा है कि बहाली डोमिसाइल के आधार पर होनी चाहिए और उसकी जांच पहले हो, क्योंकि इसके अनुसार, इन लोगों के अनुसार, कई लोगों ने फर्जी डोमिसाइल बना लिए हैं। अगर ये बात है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो इसकी सजा उन्हें क्यों दी जाए जिनके प्रमाण पत्र सही हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं? उन्हें क्यों 2 साल का इंतजार करना चाहिए? हम लोग 3 साल से हम लोगों को बिहार सरकार